कदे तुसी बैठ के सोचा होगा कि किन्ने बच्चों आस्ट्रेलिया दे विच रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, तो एक टाइम इदा का आ चुकया हूँ भी लोगों के दिमाग दे विच तां यही बन गया आस्ट्रेलिया रिफ्यूजल्स के उत्ते रिफ्यूजल्स दे रहा, बहुत घट सक्सैस रेट है रिफ्यूजल जिहड़ा अपरूवल्स का, उहदे पिछे हर एक चीज़ के पिछे रीजनिंग हुंदी है। आपां इमीग्रेशन नूं इदा अखां बंद करके ना सोचिया करिए कि सिंपली बस आस्ट्रेलिया ने तो जी बंद कर दिता, जिवें मैं पिछली वीडियो भी कहा सीगा कि बंद कदे कुछ नहीं हुंदा हुंदा अनलैस COVID-19 वर्गा कोई पेंडेमिक आ जाए तो बंद होंदियां चीज़ां, अदरवाइज़ बंद नहीं हुंदा हुंदा, टाइट या लूज हुंदियां हुंदियां चीज़ां। सो आस्ट्रेलिया कदे तो चीज़ों टाइट करता कदे लूज करता, सो अज का टाइम जिहड़ा चल रहा है वो हमेशा की तरह उन्होंने बंद किया हुआ सिस्टम तो बहुत ही टाइट तरीके चल रहे हैं, जस्ट एज एनी अदर कंट्री, सारिया कंट्रीज़ के वाग आस्ट्रेलिया भी एक टाइट तरीके कैंडीडेट्स को फिल्टर कर रहा है। एक GTE जिहड़ा जेन्युइन टेंपरेरी एंट्रेंट नाम की जिहड़ी उन्होंने सैटअप की सी इमीग्रेशन के स्टूडेंट के लिए कि जिहड़ा कि जेन्युइनली टेंपरेरी लैवल के उत्ते एंटर करना चाहता है आस्ट्रेलिया दे विच, उन्होंने एक स्टूडेंट वीज़ा भी उस कैटेगरी के अंडर पा दिता सीगा। सो GTE दी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होंदियां जिन्हां आपां डिस्कस करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल्ड मैनर दे विच। सो एक GTE जिहड़ा कैंडीडेट है जेन्युइन टेंपरेरी एंट्रेंट या कोई कैंडीडेट उहदियां कई सिफतां होंदियां जिहड़ियां इमीग्रेशन आस्ट्रेलिया दी निगाह दे विच सिफतां हो गईयां, उस चीज़ में उन्होंने मान लेना कि ठीक है सानूं वाकई ही जेन्युइन लगता है कैंडीडेट, ये वाकई ही पढ़न आना चाहुंदा है, पढ़ के अपना अगे करियर बनाना चाहता है, डजन मैटर उत्थे रह के बनाना चाहता या इंडिया च वापस आऊगा या किसी भी होर कंट्री च मूव आउट करके अपना करियर बनाऊगा। ये चीज़ा होंदियां सच एज तुहाडा स्टडी जिहड़ी तुसीं कीती होई है इत्थे इंडिया दे विच। सो फॉर एग्जाम्पल तुसीं प्लस टू के स्टूडेंट हैं, जे तुहाडे कोल मोर दैन 18 मंथ्स का गैप हैगा, जे तुसीं 18 मंथ्स का गैप पैदा कर लिया है अपनी स्टडी तो बाद, हजे तक ऑफर लैटर नहीं अप्लाई किया, मेरी सलाह आ आस्ट्रेलिया ना जायो, क्योंकि आस्ट्रेलिया दे विच ओ काम नहीं चलने जिहड़े तुसीं चलाना चाहुंदे आ। मैं जी डिप्लोमे का 2 साल का सर्टिफिकेट बना लूँगा, मैं 1 साल का टैक्नीशियन का या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट बना लूँगा तो मेरा काम चल जाना है, मैं वो नाल अपना एकेडमिक शो करके अगे जा के अपना बैचलर्स लै लूँगा या कोई भी जिहड़ी तुसीं स्टडी करन जाना चाहुंदे आ। फेक स्टडीज़ नू आस्ट्रेलिया दी अख सब तो ज़्यादा तिखी है, कोई भी कंट्री इन्नी ज़्यादा तरीके नाल नहीं छानबीन करती जिन्ने ज़्यादा तिखे तरीके नाल आस्ट्रेलिया छानबीन कर लेती है। सो आस्ट्रेलिया दे विच जे तुसीं प्लस टू तो बाद जाना चाहते हो कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगायो, कदे भी कदे ना ही लाने बारे सोचियो, प्लस टू तो बाद 18 महीनों तो जे तो घट गैप हैगा फिर आस्ट्रेलिया दी ऑफर लैटर अप्लाई करने बारे भी सोचियो, अदरवाइज़ कोई होर ऑप्शन देख लो, होर भी कंट्रीज़ हैगियां ने। ये तो हो गया तुहाडा एक ऑप्शन। सैकेंड नंबर पर जे तुसी बैचलर्स करके जा रहे हैं, बैचलर्स करन तो बाद जे तुहाडा गैप हैगा आ, गैप नूं जस्टिफाई करन वास्ते तुसी अपना एक्सपीरियंस लैटर यूज़ कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट लैटर यूज़ कर सकते हैं, अपनियां सैलरी स्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, सब तो वड्डा प्रूफ 4th नंबर के उत्ते तुहाडे अकाउंट दे विच सैलरी आई होनी चाहिए है। इदा नहीं चलना कि असी जी साढ़े ताए चाचे का जरा कोई कंपनी है, ताए चाचे की कोई फैक्ट्री है, उतों जी असी जॉब लैटर ले लेना, जो कहे वो लिख दूगा ताया साडा, चिंता ही कोई नहीं, पर नाल दी नाल अकाउंट दे विच सैलरीज़ भी आई हुण तुहाडी पोजिशन दियां तां तुहाडा गैप जस्टिफाई होगा। जे तुसी बैचलर्स तो बाद अपना एक्सपीरियंस दिखा के जाना चाहते, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, चलूगा। मेन मसला तो यह है भी जिहड़ा जेन्युइन तरीके नाल एक्सपीरियंस तुसी शो कीता है उहदे विच इक्को चीज़ नहीं आउंदी, दो नहीं आउंदियां, उहदे विच चार चीज़ां आउंदियां, तुहाडा जॉब लैटर, अपॉइंटमेंट लैटर, सैलरी स्लिप्स, तुहाडियां सैलरीज़ इन अकाउंट, तुहाडे खाते दे विच पईयां होणियां चाहीदियां सैलरीज़, ये चार चीज़ां जे तुसी पूरियां करदे आ। 5वें नंबर ते तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 सालां दी देखी जाऊगी, जे 3 साल का गैप नहीं 2 साल का गैप है 2 साल की देखी जाऊगी, जे घट टाइम का गैप है फिर 1 साल की जो भी थोड़ी बनती है ITR देखी जाऊगी। हाँ ITR नाल जरूर थोड़ा बहुत आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि 3 साल की बजाय आप 1 साल की या 2 साल की शो कर दी, चाहे अपना गैप 4 साल का है वह चलूगा, बट अदर जिहड़ियां दूसरियां 4 चीज़ें हैं उन्हां नाल कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इहदे विच इदां भी नहीं हो सकता कि आप सैलरी स्लिप्स तो दिखाती हैं, अपॉइंटमेंट लैटर भी दिखाता, जॉब लैटर भी दिखाता, सैलरी दे अकाउंट दे विच ना आउण दे दिखाए दिखाउण दी बजाए आपां की दिखाता ITR।
आई टी आर ने अपना काम अलग करना आ, सैलरी जी अकाउंट आ रही उन्हें अलग करना, दोनों एक दूजे चीज़ को सप्लीमेंट नहीं कर सकदियां। इन्हां चीज़ का दिमाग च ध्यान जरूर रखियो। यही सेम चीज़ अप्लाई करती है मास्टर्स वाले बच्चों लिए, जिहड़े बच्चे अगे डबल मास्टर्स करन जाना चाहुंदे आ उन्हां लिए भी सेम रूल अप्लाई करता है। सो इन्हीं चीज़ का दिमाग च जरूर रखो। प्लस टू वाले बच्चे हो, जे तुसी दो साल का गैप लैके बैठे हो, जे तुसी कहने कि असी भी जॉब लैटर बना लाँगे, तीन महीने की सैलरी चार महीने की सैलरी अकाउंट च पवा लाँगे, वो काम नहीं चलना, क्योंकि जेड़ा कोई भी प्लस टू का बच्चा आ उन्हू आस्ट्रेलियन इमीग्रेशन एक स्किल्ड वर्कर की तरह नहीं मानती। तुसी चाहे 10 साल काम किया प्लस टू तो बाद, चाहे 20 साल, चाहे तुसी 2 साल, तुहाडी उह वाले एक्सपीरियंस नू काउंट इमीग्रेशन कदे नहीं करूगी, क्योंकि तुहाडा उह स्किल वर्क नहीं होगा, एक तुहाडा लेबर वर्क हो। प्लस टू दे विच तुसी इदां दे कोई स्किल्स नहीं सीखते जिन्हां नू तुसी इंप्लीमेंट कर सको अपने आने वाले टाइम दे विच। सो इस करके वो जिहड़ी चीज़ आ उत्तों थोड़ा जिहा बचो। एक तो हो गया जी टी ई वास्ते अपना थोड़ी स्टडी का गैप, दूसरे नंबर के उत्ते आता है फाइनैंसिज, थोड़े फाइनैशियल्स किवें दे है। हुण बेसिकली फाइनैशियल्स उन्होंने तां देखने कि तुसी जे 3 महीने के अपने फंड पुराने दिखाए है, वो फंड्स आए कितों है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडा कोई बिजनेस है, तुहाडे पेरेंट्स का कोई बिजनेस है, उहदियां कल्लियां आई टी आर दिखाया काम नहीं बनता, उहदी इनकॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट भी आपां नाल शो कर सकते हैं, उहदियां आई टी आर तां आपां शो करांगे। उस बिजनेस दे एड्रैस दा कोई प्रूफ के कित्थे ऑपरेट कर रहे हैं, उस बिजनेस दे कोई बिल आए होण जिहदे तुहाडे पेरेंट्स ने तुहाडे स्पोंसरर ने पे किए होण, जिहदे नाल जेन्युइनली शो हुंदा आ कि यह बिजनेस रन हो रहा है, इहदी इन्नी इनकम हैगी है। ये तो हो गया कोई बिजनेस ओनर वास्ते। जॉब्स वालियां वास्ते जिन्हां दे पेरेंट्स जॉब करदे आ, कोई गवर्नमेंट इंप्लॉयड या कोई प्राइवेट नौकरी करता, उहदा तां सौखा काम है, उन्हां दी आई टी आर चाहिए, अपॉइंटमेंट लैटर चाहिए, जॉब लैटर चाहिए, सैलरी स्लिप्स चाहिए, अकाउंट च सैलरी चाहिए है, वो प्रूफ आ जाता है बच्चे का कि ठीक है जी, इहदे पेरेंट्स वाकई ही इन्नी अमाउंट की सैलरी लैके इस स्कूल दे विच या इस काम दे विच तुसी जॉब कर रहे, तुहाडे पेरेंट्स जॉब कर रहे, वो बिल्कुल 100% चलूगा तुहाडी इनकम की सोर्स वजों। उहदे तों इलावा जे तुहाडे पेरेंट्स एग्रीकल्चरल लैंड यूज करके अपनी इनकम करते, खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी वालों वास्ते पहला की हुंदा सी, आस्ट्रेलिया की करता सीगा, तुहाडे कोलों इनकम सर्टिफिकेट मंगता सी, तुसी जांदे सी तहसीलदार कोल, तहसीलदार नूं फाइल बना के फाइल के थले 2000 रुपये का नोट रख के कह देंदे सी, तहसीलदार साहब सानू ना 15 लाख रुपये की सानू इनकम दिखा दो, कि साडी साल की इनकम 15 लाख है सानू, या 20 लाख की दिखा दो। हुण वो काम खराब हो गया जी, अपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलते, चलते जरूर है, वो अगेन सप्लीमेंटरी आपां नूं होर चीज़ा भी शो करनिया पैणगियां, आई टी आर शो करनिया पैणगियां। हालांकि खेतीबाड़ी नूं कोई टैक्स नहीं लगता, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर कहिंदी है कि तुसी चाहे खेतीबाड़ी करदे हो, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करो, सानू पता होवे, गवर्नमेंट नूं पता होवे कि तुहाडी किन्नी इनकम है, उस सोर्स ऑफ इनकम नूं तुसी यूज़ कर सकते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम दिखाउण वास्ते कि इत्थों साडी इनकम पैदा हो रही है। इहदे नाल नाल जे एग्रीकल्चर करदे हो तुसी, अपने इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आई टी आरज़ लगनगियां, इनकम टैक्स रिटर्न, तुहाडियां पेरेंट्स की जमीन है जो उहदियां फर्ज लगनगियां, उहनां दे जे फार्म लगनगे, सारा कुछ इंग्लिश विच ट्रांसलेट होगा, जे ऑलरेडी सोर्स इंग्लिश दे विच है फिर तो ठीक है, जे नहीं सोर्स इंग्लिश दे विच तो फिर वो इंग्लिश ट्रांसलेट होकर तुहाडियां नोटराइज्ड होकर वो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होणगे। उस तों इलावा तुहानूं ज़्यादा कुछ नहीं सोर्स ऑफ फंडिंग शो करन दी लोड़ होंदी। सो ये दो चीज़ां नूं ध्यान च रख के ही वह जेन्युइन टैंपरेरी जिहड़ा स्टूडेंट देखदे आ कि वाकई च ही ये स्टूडेंट है जिहड़ा आना चाहुंदा है, ये वाकई च ही जेन्युइन टैंपरेरी रेजिडेंट होगा आस्ट्रेलिया दा, वाकई च ही इत्थे पढ़न आना चाहुंदा है, पढ़ के वापस जाना चाहुंदा है, तो इहदे कोल श्योरिटी दे विच इहदे ना तां कोई ज़्यादा गैप आ, ना ही इहदे कोल फाइनैंसिस दी कोई प्रॉब्लम है। इस चीज़ नूं ध्यान दे विच रख के ही अपनी आस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन की प्रोसैसिंग शुरू करो। जे आपां इन्हां चीज़ां नूं नहीं पूरा कर सकते उन्हां नूं पूरा करो, नहीं पूरा फिर भी नहीं पूरा कर सकते फिर कोई अल्टरनेटिव कंट्री देखो जिहदे विच तुसीं जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूके कंट्री हैगी है जिहदे विच तुसीं अपना डेफिनेटली थोड़े जे गैप नूं भी जस्टिफाई करवा सकते हो विदाउट एनी जॉब एंड एनीथिंग, तो उहो जिहियां कंट्रीज़ नूं तुसीं ऑप्शन दे वजों देख सकते हो। उम्मीद करदा हां वीडियो बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होगी तुहाडे वास्ते, अगे भी इहो जिहियां हैल्पफुल वीडियोज़ लैके आउंदे रहांगे। साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि असीं भरोसा दिवाउंदे हां कि तुहाडे असीं शुभ चिंतक हां, तुहाडियां एप्लीकेशनज़ नूं असीं राइट तरीके नाल ही गाइड करांगे,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਿਲਵਰ ਫਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 82 84 82 90 02 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ।